हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज जो है ना, रोते हुए त्रिश को मैं दिखा रही हूँ सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि आज का व्लॉग जो है यहीं से शुरू हुआ। ये टाइम हो चुका है अभी सुबह 4:30-5 बजे के आसपास का ये टाइम होगा। तो इस टाइम पे है ना, मतलब हम लोग उठ चुके थे, इसी वजह से त्रिश रो रहा है क्योंकि उठने का अभी उसका टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि ये तो अक्सर 7-8 बजे के आसपास ही उठता है। बीच बीच में रात में उठता रहता है, लेकिन जो अच्छी तरह से है वो लेट ही उठता है। लेकिन अभी ना मैंने उसको कपड़े वगैरह चेंज करे, उसका डायपर चेंज किया, तो आँख तो खुल ही जाती है, इतनी गहरी नींद नहीं है उसकी, तो इसी वजह से नींद में परेशान हो गया है थोड़ा। कहाँ जा रहे हैं हम, वो जो है ना आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और यहाँ पर जो है ना, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैं जो है त्रिश से पहले ही रेडी हो गई थी, उसको हमने सबसे लास्ट में ही, मैंने इनको बोल दिया था कि उसको तो सबसे लास्ट में ही उठाना, और उठाना क्या मतलब, उसके कपड़े पहनाते पहनाते ही उसकी आँख खुल जाएगी, मुझे पता था। क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चों की बचपन में जो है ना ऐसी ही नींद रही है, ऐसे ही निश्चय का था और ऐसे ही त्रिश का ही, कि इनको टच किया तो ये मतलब आँख खुल गई, अगर कुकर की सीटी आई तो इनकी आँख खुल गई, थोड़ा सा बर्तन साफ़ करने लग गई तो इनकी आँख खुल गई। बहुत ही कच्ची वाली नींद है इनकी, बिल्कुल अपने पापा की तरह। तो अभी जो है ना स्कूटी निकाल ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना है, लगभग आधे घंटे का रास्ता है, तो भाई अपनी स्कूटी से ही जा रहे हैं। और निश्चय ने यहाँ पे देखो क्या पहना है अभी सुनवाऊंगी मैं उसने ये सब क्यों पहना है, क्योंकि अंदर ना उसने ट्विनिंग की थी पापा के साथ, पापा के जैसे सेम कपड़े पहन रखे हैं अंदर, ऑरेंज और ब्लू। बट अभी जो है ना उसको थोड़ी ठंड लग रही थी, तो उसने ऊपर से स्वेट शर्ट निकाल के अलमारी में से और वो पहन ली है। इनको यूँ बता दें, आपने दो टी शर्ट क्यों पहनी है? चलो चलो आगे चलो पापा जी के साथ। कुछ लोग तो है ना देखते ही जगह को पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ गई हूँ कहाँ नहीं। और जो लोग नहीं जाने हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं जो हमारे यहाँ पे गुड़गावा का जो शीतला माता मंदिर है ना, मैं वहाँ पे गई थी। निश्चय की भी जो हमने है ना कोरोना से पहले पहले जहाँ तक मुझे याद है सारी ही धोख लगवाई थी हर साल की मतलब, लेकिन कोरोना आने के बाद फिर 1-2 साल तक तो मंदिर खुला ही नहीं, तब जो है नहीं जा पाए थे। और त्रिश का जो है ना ये पहली बार है, पहली धोख इसकी लगनी रहती थी अभी, जो कि बहुत ज़रूरी मानी जाती है। आओ बेटा आगे आगे चलते हो, आओ आगे आओ। देखिए दिखा रही हूँ कितने चुन्नी उन्नी सब बंदे रखी है। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, बहुत मतलब जो अंदर का दरबार वाला जो एरिया होता है ना वहाँ से ही लाइन शुरू थी, और वो भी आधे से ज़्यादा में लगा लो आप थोड़ी सी, मतलब नंबर आने की बात कहूँ तो 10 मिनट तक नंबर हमारा आ गया था। तो अभी जो है ना हम लाइन में लगे हुए हैं, और शायद इस टाइम पे भीड़ ज़्यादा हो ही नहीं रही है, क्योंकि जितने भी मेरी जानकारी में जिस भी सोमवार को जा रहे हैं ना तो वो यही कह रहे हैं कि नहीं भीड़ नहीं थी, भीड़ नहीं थी। हमारे यहाँ तो सोमवार के दिन ही जाया जाता है, और कई जगह ऐसा होता है कि शायद या तो मंगलवार या फिर किसी भी दिन चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये है शीतला माता, इनके साक्षात दर्शन जो है मैंने सोचा आपको भी करवा देती हूँ।
और यहाँ पे अभी हम आ गए हैं मिट्टी छाटने के लिए। मिट्टी पहले तो पता है जब छोटे थे तब आते थे ना, क्योंकि हमारे वहाँ से भी जाते हैं घर से भी शीतला माता पे, तो तालाब सा होता था और उसमें मिट्टी छाटी जाती थी। लेकिन अब तो यहीं पे ऐसे ही ये बना रखा है, इसी में मिट्टी डाल रखी है थोड़ी सी और थोड़ा सा पानी छोड़ रखा है, तो यहीं पर मिट्टी निकालने का जो मतलब नेग ही कह लो अब तो वही किया जाता है। पहले जैसा तालाब नहीं है। और मेरे थैले की तरफ मत जाना भाई, जो ये थैला है ना ये ही मतलब सामने रखा था, तो आते आते मैंने सारा सामान इसी में डाल लिया। और जब मैं रास्ते में थी तो मैंने नोटिस किया कि ये इस पे लिखा हुआ है मशीन घड़ी वॉश, नहीं सॉरी घड़ी मशीन वॉश, घड़ी सर्फ का ये थैला है बड़ा सा। और शायद इसमें छुछक में कोई सामान इसमें डल के आया था, आई थिंक बिस्तर विस्तर कुछ इसमें ऐसा डल के आया हुआ था। दरी बोल रहा है भाई, पहले वो तालाब था वो कहाँ गया मिट्टी का? नया मिट्टी यहीं चटती है, मिट्टी तो छाड़ दी पर वही नया मंदिर बन रहा है। फिलहाल नया मंदिर बन रहा है। पैर मत रखो बेटा, इनसे घर बनाते हैं फिर माता रानी अपना नया घर बना देती है। ये तो मैंने रख दी गई तो जब ईटों का ईटों वाले कर दी है, जन्म कर दिया है माता रानी। देखे न देखे जरूर भाई, न जरूर देखे और देखी जाए शायद भाई। तो जगह तो साफ कर दिया करते 20 रुपए ले वे, तो पहले सबने बना रखा है तो नीचे वाला, तो नीचे वाला मर जाते हैं, टूट जाएगा। यहाँ पे है ना मतलब ऐसी मान्यता है कि जो ये इट्टे रखी होती है ना, इनका अगर हम घर बना के जाते हैं अपना, तो माता रानी जल्दी ही सुनती है भाई अपना घर बनता है। और यहाँ पे बस मैं बनाने लगी हूँ, निश्चय के पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, पीछे से कुछ 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 बोले जा रहे हैं तो वो शायद अब लगेंगे और वो बनाएंगे भाई अपना घर। कैसा बनाएंगे आप देखना। और पता है जब हम छोटे थे तब से यहाँ पे आते हैं, और तब जो है यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता था घर बनाने का, लेकिन आज जो है ना पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि ईंटों के पैसे लिए हैं कि अगर ईंटों का आप घर बनाओगे तो 20 रुपये की पर्ची कटने लग गई है, मतलब 20 रुपये वो लेते हैं घर बनाने के नाम के। तो मैं वही कह रही थी कि भाई अब इन ईंटों के भी पैसे लेने लग गए क्या तुम, हद कर दी तुमने तो भाई माता रानी के नाम पे। और चलो खैर कोई नहीं भाई, पर क्या करें आजकल पैसे बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी हर चीज़ में पैसा ही चाहिए। और अब ये देखो कैसा घर बनाते हैं। तो ये देखो दोनों पापा बेटे ने जो है 2 मंजिल का हमारा घर बना के रेडी कर दिया है, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आसपास में ऐसा कोई भी नहीं बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे अलग सा यही बनाया है इन्होंने, और मुझसे नहीं बन पा रहा था ऐसा मतलब इस तरीके का। हाँ तो झूल लेना ना, निश्चय को झूला झूलना है भाई, निश्चय को झूला झूलना है। लो एकदम छीड़ थी, बिल्कुल बढ़िया खुले खुले दर्शन हो गए आज तो, और दृष्टि अभी सोके ही नहीं उठे हैं। माँ कितनी बड़ी कुंडी, और क्या गेट भी तो बड़ा है ना माता रानी का। अभी जो है ना पूजा करने के बाद हम बाहर आ गए हैं, और बाहर आते ही सबसे पहला काम होता है मुंह बिटालने का। अगर आप घर से कुछ लेके आए हो तो वो बैठ के खा सकते हो, लेकिन सुबह सुबह घर से लेके आना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था बच्चे के साथ में, इसलिए हम तो यहीं पे कुछ भी छोटा मोटा खा लेते हैं। तो एक एक चाय और ब्रेड जो है हमने खा लिया था सुबह सुबह। तो अभी मुंह भी टालने के बाद फिर हमने ना प्रसाद ले लिया था जो घर में मतलब आस पड़ोस में बांटने के लिए लिया जाता है, और त्रिश के लिए मैंने छोटे छोटे नजरिए ले लिए थे क्योंकि इसके हाथ में कड़े वगैरह जो भी है ना चांदी के भी या जो काले कड़े होते हैं वो भी सब के सब जो है ना ढीले हैं, तो मैंने सोचा नजरिए ले लेती हूँ। सोने हाथ जो है ना इसके काफ़ी दिन से हैं जो कि अच्छे नहीं लगते, कई लोग जो है ना मुझे टोक भी देते हैं फिर। अब हर किसी को क्या बताऊँ कि इसके हाथ में कुछ आता ही नहीं है, बहुत पतले पतले से हाथ हैं अभी इसके। और चांदी वाले तो पता है निश्चय भी नहीं पहन पाया आज दिन तक भी, क्योंकि जब छोटा था तो पतले हाथ ज़्यादा थे, बड़ा था तो फिर हाथ में उसे बिल्कुल सुहाते नहीं थे, अपने आप ही हाथ मार मार के और निकाल देता था।
तो अभी जो है ना हम जा रहे हैं अपनी बुआ के घर, और एकदम से अचानक से ही प्लान बन गया था, घर से सोच के नहीं आए थे कि बुआ के घर जा रहे हैं, मतलब बुआ के घर भी जाएंगे। लेकिन सोमवार के दिन ना मोस्टली इनकी छुट्टी होती है, मतलब कभी कभी जाना भी पड़ जाता है लेकिन ज़्यादातर छुट्टी होती थी। मैंने सोचा कि चलो कोई ड्यूटी तो आपको जाने की जल्दी है नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए, निश्चय का टाइम तो हो ही चुका है स्कूल का, वो तो निकल ही चुका है टाइम, तो थोड़ी देर जो है ना बुआ के घर चल पड़ते हैं। अब आए हुए देखो भाई, जब आसपास में रहते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है ना, मुझे तो बहुत शौक़ रहता है कहीं भी, चाहे मेरी साइड की रिश्तेदारी हो चाहे इनकी साइड की, मुझे बहुत शौक़ रहता है जब पास गए हुए तो ज़रूर मन करता है कि हाँ वहाँ से मिल के चलें। और वॉइस ओवर में भी आप शायद सुन रहे होंगे, निश्चय बोल रही हूँ, सॉरी, त्रिश जो है ना पीछे से अपनी पूरी, मतलब हूँ हूँ हूँ, जैसे ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसे लग रहा है कि हाँ मुझसे ही बात कर रही है मम्मा, पूरे हुकारे भर रहा है। और यहाँ पे जो है ना अभी हम अपनी बुआ के घर पे पहुँच चुके हैं, और निश्चय देखो मतलब इतना वो करता है कि ये ऊ भी ना कर दे और तभी तुरंत गोदी में उठाएगा, और बाहर जाके तो कुछ ज़्यादा ही दिखाता है। और त्रिश का ऐसा है, देखो गोदी में से उतरने को बिल्कुल हो रहा है, इसको गोदी में रहना कम पसंद है, और इसको नीचे लेट के मतलब अच्छा लगता है, मतलब ये मतलब उसमें ना कम्फर्टेबल रहता है, गोद में ना बच्चा वैसे भी परेशान हो जाता है, कपड़े वपड़े भी चुभते हैं दूसरों के। और निश्चय को तो आपको पता ही, भाई छोटा है, देखो वो इतना बड़ा तो है नहीं कि वो आराम से संभाल लें, वो इसको अपनी तरफ से टाइट पकड़ता कि कहीं मैं इसे गिरा ना दूं, और बच्चा जो है परेशान हो जाता है ऐसे में। और ये बैठी है मेरी बुआ, और सामने निश्चय के पापा, दोनों भाई बुआ भतीजा आपस में बात कर रहे हैं, और मैं बना रही हूँ इन दोनों की छोटी सी वीडियो, कि मैंने सोचा चलो जब आए हैं तो भाई यही यादें होती हैं। देखो और तो यूट्यूब से क्या मिलना मुलाना है, बस ये है कि अपनी छोटी छोटी जितनी भी यादें हैं वो समेट के रख लेते हैं हम एक व्लॉग के रूप में, और आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाती हैं, और हम तो जब तक यूट्यूब है तब तक अपनी चीज़ें जो हैं देख ही सकते हैं। और मेरी जो एक जेठानी है वो अपने घर गई हुई हैं, और जो दूसरी हैं वो भाई अपने नाइट ड्रेस में थी, तो उन्होंने कहा पिंकी आज मेरे को मत लियो क्योंकि भाई हालत ख़राब सी हो रही है, घर में जो है ना पेंट वगैरह का काम चल रहा है, और जब घर में वाइट वॉश वाले घुस जाते हैं ना तो फिर आपको पता ही है घर कैसा फैला फैला हो जाता है, और वैसे भी सुबह सुबह का ही टाइम था। तो बुआ भी जो है ना वैसे मंदिर के लिए निकलने वाली थी, कह ही रही थी कि अगर तुम दो मिनट और बाद आते तो मैं नहीं मिल पाती। आराम से बैठो, पहले पहले पैर फोल्ड कर ले, बैठ जाने से पहले पैर फोल्ड करके। टीशू को रहने दे तू, समय गंज सौ रुपये किराया, ये काम इतने गंदे लोग हैं, वो नाला है, नाले में पानी ले रही, नाले में गिर सब भी, नाले सब वो भी निशु को हाथ मार देगा। बहुत गहरा पेड़ हो रहा है, सब दुख है, जा झुके झुके, कई देर हो गया आपने झुके झुके, लग तो बने ही रहे पर ये कच्चे होंगे है ना दीदी, हाँ हाँ, बड़े बड़े भी कई तो घने टाइट है, आपने बेरा है ना, इन बेरा को आपने कर बंदर पकड़नी पड़ेगी क्या, अच्छा अच्छा भागले भागले कभी बंदर काट जाए, वो तो हो गया आपके तो कपड़े खराब, ले मीठे बहुत है लेकिन हम थम तो नहीं से आ जाए इनने पे, कैसे खट्टे हैं, खट्टे मीठे, ओ बस बहुत हो गए, ये रहे देखिए रे इधर, ये रहे ये रहे देखिए कितने रहे, हाँ नीचे ले, ये तोड़ ले, ये तो हमने कटवा दिया,
ये तो हमने ना कटवा दिया इधर करके सही है आनिए जानिए भी तोड़ते रहते होंगे टमाटर धनिया लो पनीर तो खोल लो पनीर ले रहे हो और मेरे हाथ में दरे जान लग रहा है कितने जड़ गए सारे जड़ दिए लो पनीर खोल लो मत जाड़ ना हाँ भाई आओ निशु जूली आया जूली है क्या हम ना बस घर के लिए बाहर निकल ही आए थे फिर अचानक से दीदी जो है ना ऊपर चढ़ गई बोली कि चीकू तोड़ के दूंगी तुम्हें और बहुत सारे जो है ना सामने शैतूत लगा रखी है धनिया लगा रखा है टमाटर लगा रखा है उधर भैया चले गए थे मतलब जो जेठ है मेरे वो और फिर उन्होंने वो तोड़ तोड़ के डाल दिए भर दिया बिल्कुल तो काफ़ी सारे चीकू लेके आए शैतूत लेके आए और वैसे तो देखो ये सारी चीज़ें जो है ना आजकल हर जगह मिल जाती हैं चीकू भी कितने ही ले लो आप टमाटर कितना ही ले लो लेकिन जो घर की लगी हुई चीज़ें होती हैं ना उनका टेस्ट और अपना पन जो उनमें होता है ना वो एक अलग ही स्वाद होता है उधर से आ रही है लोग बैठे इसमें कितने और क्या देख ले कितनी बड़ी है निशु बहुत लंबी थी आपको जाना है तो आप भी चले जाओ और ना बैठे बैठे आते आते मतलब दुखी हो गए थे थोड़े बहुत लंबा रास्ता नहीं है लेकिन निश्चय बोलने लग गया था कि पापा दो मिनट के लिए रोक लो मैं ना थक गया हूँ बैठे बैठे फिर वो भी यही बोले कि कभी बच्चे को लटकाना आ जाए नींद का एक बार पानी वानी पिला देते हैं इसको क्योंकि 4 बजे के करीब जो है ना हम उठ गए थे और निश्चय की भी साथ साथ आँख खुल गई थी क्योंकि उसको डर था बच्चे को जैसे बहका नहीं देते तो मैंने रात को ना उसको ये बोल दिया था कि बेटा हम आपको नहीं लेके जाएंगे आपको सोता छोड़ के जाएंगे अगर आप जल्दी नहीं सोओगे तो उसको ये हो गया कहीं मुझे सच में ना छोड़ जाएँ तो चलो फिर आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ व्लॉग आपको कैसा लगा बुआ का घर कैसा लगा और माता रानी के दर्शन कैसे लगे सारी चीज़ें जो है ना कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना और मैं आपसे मिलूंगी कल अपनी नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।